प्रश्न, मेरा प्रश्न रमजान में गैर आपातकालीन सर्जरी और उसके कारण कुछ दिनों के रोजे तोड़ देने के बारे में है, तो क्या यह जायज है? यह ज्ञात रहे कि उसे रमजान के बाद के लिए स्थगित करना सर्जन की यात्रा की वजह से तथा कार्य की परिस्थितियों के कारण सर्जरी करने का अवसर चूक सकता है। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। यदि सर्जरी को रमजान के बाद तक विलंबित करने से बीमारी बढ़ सकती है या ठीक होने में देरी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कठिनाई और परेशानी का सामना हो सकता है, या स्थगित करने के परिणाम स्वरूप समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि वैकल्पिक तारीख अपेक्षाकृत दूर हो या एक कुशल चिकित्सक द्वारा सर्जरी चूक सकती है, तो उसे रमजान में करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, भले ही सर्जरी के कारण रोगी को अपना रोजा तोड़ना पड़े। लेकिन यदि बिना किसी कष्ट या कठिनाई के उसे रमजान के बाद तक स्थगित करना संभव है, तो रोगी के लिए इस वजह से रोजा तोड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रमजान का रोजा फर्ज है और उसे किसी ऐसी चीज के कारण नहीं छोड़ा जा सकता जिसे स्थगित करना संभव है। यह हमारे शेख अब्दुल रहमान अल बर्राक हाफिज़हुल्लाह ने हमें जो कुछ बताया है उसका सारांश है, और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।